हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि एग्जामिनेशन सेंटर में क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड कैसा होना चाहिए, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, अपनी आईडी वेरिफिकेशन आईडी कौन से लेके जाएंगे। तो इन्हीं सब के सिलसिले में आज ये वीडियो आप लोगों के लिए पहुँचाया जा रहा है। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं बच्चों। एडमिट कार्ड जब आप निकलवाए होंगे, आपने देखा होगा कि इसका 3 पेजेस है, ठीक है। ये एडमिट कार्ड आप कोशिश करें कि आप कलर्ड एडमिट कार्ड निकलवाएं। ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड भी आप निकलवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन कोई भी प्रकार का आपको कोई वहाँ कुछ बोले ना, इसलिए आप एक ब्लैक एंड वाइट भी रख लें और एक कलर भी रख लें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। यहाँ एडमिट कार्ड में 3 सेक्शन बने हुए हैं बच्चों, ठीक है। पहले सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ लगानी है। यहाँ पे आपको आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है, जो आपको घर से लगा के जानी है। यहाँ पे आपको अपना थंब लगाना है, ये भी आपको घर से लगा के जानी है। जो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे चिपकाएंगे, वो सेम ये पासपोर्ट साइज़ रहने चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पर दी हुई है। इसके बाद यहाँ पे जो सिग्नेचर वाला कॉलम है, ये आप छोड़ देंगे, ये आपको एग्जामिनेशन डेट पे इन्विजिलेटर के सामने करना है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आप देखिए, यहाँ पे आपका पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा, ठीक है। तो ये फ़ोटोग्राफ आप घर से चिपका के जाएंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट साइन है और एक इन्विजिलेटर साइन है, ये कॉलम आप खाली छोड़ देंगे। ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ही फिल करना है, ठीक है। अब ये रहा तीसरा पेज, जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। ये ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप तीनों पेज लेके जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ आप एक और फोटोग्राफ एक्स्ट्रा रख लीजिए, पासपोर्ट साइज़ और पोस्ट कार्ड साइज़ दोनों, किसी भी टाइप का अनफेयर मीन से बचने के लिए, या आपको इन्विजिलेटर कुछ पूछ दिए, हो सकता है आप घबरा जाएँ, इसलिए आप एक एक कॉपी एक्स्ट्रा रख लीजिए, वो आपके काम ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेरीफिकेशन आई डी की। तो वेरीफिकेशन आई डी आप कोई भी रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी वेरिफिकेशन आईडी आप रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चों के पास आधार कार्ड रहती है, तो आप आधार कार्ड ही रख लीजिए। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल कॉपी रखनी है, जो हार्ड कॉपी बन के आती है ना कलर्ड, वो आपको आधार कार्ड रखनी है, ठीक है। कोई भी प्रकार का फ़ोटो कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी आप नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। इतनी आपको बातें समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं ड्रेस कोड की। ड्रेस कोड जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लेके जाएं। कोशिश करिए कि ऐसा सॉलिड टी शर्ट पहन के जाए। सॉलिड टी शर्ट मतलब कि जो नॉर्मल हो, जिसमें कोई भी प्रकार का ड्राइंग या फिर कोई आर्ट या कुछ लिखा ना हो। तो इससे क्या है, अगर आपको हो सकता है वहाँ पे इन्विजिलेटर टोक दे, या जो चेकर्स है वो टोक दे आपको कि नहीं ये आपने क्यों पहना है, यहाँ पे क्यों लिखा है, तो आप घबरा जाएंगे। उससे क्या होगा, वो सारे इफ़ेक्ट्स आपके एग्ज़ाम पे देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जितने सिंपल हो सके उतने सिंपल तरीके से जाएँ। तो जैसे मैंने बताया, ऐसा टी शर्ट आप ले लीजिए, टी शर्ट या आपके पास घर में होगा ऐसा एक सिंपल सा टी शर्ट पहन के जाएँ, और इसके साथ एक सिंपल सा लोअर, ढीला ढाला लोअर, जिसमें ज़्यादा चेन वगैरह ना हो और कम्फर्टेबल रहे, वैसा पहन के जाएँ। सिंपल सा स्लीपर पहन लें, जैसे पैरागॉन की आती है, जो बाथरूम स्लीपर्स हम यूज़ करते हैं ना, वो सब आप पहन के जाइए, ठीक है। इसके साथ साथ गर्ल्स और बॉयज़ भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऑर्नामेंट नहीं पहनना है आपको। ऑर्नामेंट मतलब गर्ल्स ध्यान रखें कि ईयर रिंग्स, नोज पिन, चेन, और आपके हैंड रिंग्स, पायल, ब्रेसलेट्स या जो ताबीज़ वगैरह आप पहनते हैं ना, वो सब कुछ भी ना पहने आप। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों स्मार्ट वॉचेज़ या किसी भी प्रकार की वॉचेस पहन के ना जाएं, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा सिंपल तरीके से हो सके उतने ज़्यादा सिंपल तरीके से जाइए, और 7 तारीख का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे के आइए। इसके बावजूद अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपके जवाब देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।